पतंजलि आयुर्वेदिक संस्था विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्था है। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विश्वविख्यात हैं और सबसे विश्वसनीय हैं। आज परम श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। आज विशेष एक बात है, कई दिनों से कई तरह के षड्यंत्रों के विषय में पतंजलि के संदर्भ में मैं बातें सुनता रहा। मैं संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करता हूं कि पतंजलि आयुर्वेद ने जिस तरह से विदेशी षड्यंत्रों या विविध देश विरोधी शक्तियों के बीच में अपनी प्रामाणिकता व जनस्वीकारिता से नए मुकाम हासिल किए हैं, और आप सब जानते हैं कि पतंजलि ने अपनी गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्यों और देश के स्वीकार्यता से आज लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है। पतंजलि आज स्वदेशी का नहीं अपितु देश का सबसे प्रामाणिक ब्रांड बन चुका है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। इसकी वजह से विदेशी कंपनियां गुणवत्ता के आधार पर या न्यूनतम मूल्य के आधार पर मुकाबला नहीं कर पा रही, और हमें विश्वास है कि वो कर भी नहीं पाएंगी। परंतु पतंजलि को जब हेल्दी कंपटीशन के द्वारा वो मुकाबला नहीं कर पा रही हैं, तो उन लोगों ने विविध तरह का षड्यंत्र का सहारा लिया हुआ है। इसमें कुछ विविध तरह की मीडिया के से संबंध रखने वाले बंधुओं का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता हमें लगती है। मैं चाहता हूं कि विदेशी कंपनियां पतंजलि के साथ कंपटीशन करें, हेल्दी कंपटीशन करें, परंतु वह विविध षड्यंत्रों के द्वारा पतंजलि के साख को, प्रतिष्ठा को, पतंजलि ब्रांड को किसी भी तरह से वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। ये न कि न प्रकार लोगों को गुमराह व भ्रमित करने के लिए पतंजलि के विरुद्ध वो षड्यंत्र करती रहती है। तो मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों से कि अभी एक दो दिन से जो भ्रामक बात चल रही है कि जो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो USFDA है, उसकी एक रिपोर्ट द्वारा पतंजलि की जो शरबत है उसको प्रतिबंधित की गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि पतंजलि USA के अंदर करीबन 100 से ज़्यादा उत्पाद बेचता है, और जो USFDA के जो कंप्लाइंसेज हैं उसकी जो पूर्ण जो उसकी प्रामाणिकता है उसके आधार पर हम काम करते हैं। तो ये बात को छिपा करके कि पतंजलि की जो इंटरनेशनल पैकिंग है वो अलग होती है, राष्ट्रीय पैकिंग हमारे देश की माल वही होता है, सामान वही है, गुणवत्ता वही है, लेबल और पैकेजिंग के हिसाब से हमको कुछ अलग अलग लेबल करने पड़ते हैं। तो हमने ये किया तो उसके आधार बना करके हमारे उपभोक्ताओं को, जो हमारे पतंजलि के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ये एक बहुत बड़ा प्रायोजित षड्यंत्र है, और ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी भारतवर्ष सहित लगभग 30-40 देशों में, जहाँ अमेरिका है, यूरोप है, अरबिंद कंट्रीज है, पीछे एक समाचार छपा कि कतर में पतंजलि के उत्पाद बंद कर दिए गए, वो भी बात फेक थी। तो कहीं किसी भ्रम में ना आए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अमेरिका में भी उनके जो मानक हैं उनको पूर्ण अनुपालन करते हुए, जो कंप्लाइंसेज हैं उसको कंप्लीट करते हुए, हम 100 से ज़्यादा अपने उत्पादकों को वहाँ पर अभी भी बेच रहे हैं, और आगे आने वाले समय पर हम और बड़े स्तर पर इस अभियान को करेंगे। हमें ये कहते हुए खुशी और गर्व है, हमारे सैकड़ों वैज्ञानिक आज पतंजलि के उत्पाद के निर्माण के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए, उनके परीक्षण के लिए काम करते हैं,
पतंजलि के पास ही हमारे पास तीन जो NABL accredited जो लैब हैं, NABL का जो प्रमाण पत्र मिलना कठिन होता है, हमारे पास तीन इस तरह की अनुसंधान शालाएं हैं और हॉस्पिटल या बाकी किसानों से लेकर के रोगियों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था पतंजलि के पास है वह किसी के पास नहीं है। इसीलिए विदेशी कंपनियां कभी भी पतंजलि के साथ मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उन्होंने अपने न्यूनताओं को छिपाने के लिए अपने उत्पाद के आगे पतंजलि का मुकाबला जब नहीं कर पाए तो उन लोगों ने लेबल में आयुर्वेद उत्पाद होने का भ्रामक प्रचार करने का भी भरसक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, पर आयुर्वेद कहने मात्र से कोई उत्पाद आयुर्वेदिक नहीं हो जाता है। उसके लिए गहन अनुसंधान की आवश्यकता होती है, उसके लिए विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता होती है। आज पतंजलि के पास आयुर्वेद के सैकड़ों विशेषज्ञ, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ उन विदेशी कंपनियों को, उन षड्यंत्रकारियों को आगाह करते हुए चुनौती देना चाहता हूँ कि कोई बताए तो सही, सामने आकर के तो बताएं कि उनके पास वो विद्वान कौन लोग हैं, वो अनुसंधानकर्ता कौन लोग हैं जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। आप पतंजलि में आप आकर के सारे तथ्यों को, प्रामाणिकता को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं और जान सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस तरह की अफवाहों में, मुझे पता है कि आप नहीं भ्रमित होंगे, पर उनको मुँह तोड़ जवाब देने की भी आवश्यकता है। तो आइए हम सब मिल करके, पतंजलि क्योंकि एक ऐसी संस्था है, हम देशवासियों को ग्राहक नहीं समझते, हम अपना परिवार समझते हैं। हमारे लिए यह देश परिवार है, उन विदेशी कंपनियों के लिए देश बाजार है। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों से मुकाबला करने के लिए हम सबको एक होकर के मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप चुप मत बैठिए। श्रद्धेय स्वामी जी पूर्ण जवाबदेही के साथ में इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक स्तर तक हम सफल भी हुए हैं, अभी बहुत काम बाकी है। इस स्वदेशी के आंदोलन को हमने जन आंदोलन बनाया है, इसे हमें विश्वव्यापी आंदोलन बनाना है। इसके लिए आप सबका विश्वास, भरोसा तो ही है, भरोसे के साथ इस तरह की कुत्सित प्रयास करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप अपनी पूरी शक्ति से, ऊर्जा से इस कार्य में आप सहयोग करें, सहभागी बने, ये आपसे प्रार्थना है। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जो आपका भरोसा है, जो विश्वास है, कभी हम वो टूटने नहीं देंगे। इसीलिए आज मुझे इस बात को कहने के लिए आपके बीच में आना पड़ा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर के इन षड्यंत्रकारियों का, इन विदेशी कंपनियों का, इन दुष्प्रचारों का मुँह तोड़ जवाब देते हुए और पतंजलि के उत्पाद और ज़्यादा प्रयोग करते हुए हम इनको जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मेरा नमन प्रणाम। गोरखा इंटरनेशनल संजय मल अपने व्यूअर्स से नरम निवेदन करता है कि पतंजलि के विरुद्ध भ्रामक प्रचार में ना आए। पतंजलि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक और अन्य प्रोडक्ट बनाता है। धन्यवाद। जय हिंद।